मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और शेफर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपने कलाम से नवाजें प्रोफेसर शेफर रसूल। अल्ताज साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो इस मुशायरे के सदर है। उनसे इजाज़त तलब करते हुए चंद अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और माजरत भी पेश कर रहा हूँ कि मेरी मजबूरी है और मुझे एयरपोर्ट जाना है असल में, तो इसलिए बहरहाल आप इसको ख्याल नहीं करेंगे। एक बतला पेश कर रहा हूँ कि बस्तियाँ बस्ती गई, इरशाद, जंगल फना होते गए। बस्तियाँ बस्ती गई, जंगल फना होते गए, लोग पास आते गए लेकिन जुदा होते गए। अच्छा साहब, क्या कहने हैं? बस्तियाँ बस्ती गई, जंगल फना होते गए, लोग पास आते गए लेकिन जुदा होते गए। और एक मतलब और बुलाया कीजिए, आजकल के जो हालात हैं उसको पेश निगाह रखिए। मैंने इसमें एक तरकीब इस्तेमाल की है, शहर रिया। तो यहाँ कुछ तलबा भी बैठे हैं, उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ, शहर रिया यानी मक्कारी का जादू, जिसमें शरीफ लोग आसानी से फंस जाते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए कि लोग जब शहर रिया में मुब्तला होते गए, लोग जब शहर रिया में मुब्तला होते गए, जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते है, 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 क्या कहने, क्या सच्चा लोग जब शहर रिया में मुब्तला होते गए, जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते गए। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ये दो तीन शेर, लोग जब शहर रिया में मुब्तला होते गए, जिनको बंदा भी ना होना था खुदा होते गए। ये एक मतला है कि मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी कुछ नहीं, नहीं। मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या शेर बाबा, मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात, क्या बात, मैंने कहा कुछ भी नहीं। लगा कीजिए कि जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया, मुझसे कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या सब कुछ उसी से कह दिया, मुझसे कहा कुछ भी नहीं। और ये शेर है कि मुलाजा कीजिए, एक जरा सियासी सा शेर हो गया है कि अब के भी एक आंधी चली, अब के भी एक आंधी चली, भी सब कुछ छोड़ गया। अब यहाँ हमारे लीडर्स मौजूद नहीं है, वरना उनकी नजर करता मैं ये शेर कि अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ छोड़ गया, अब के भी सब बातें हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब के भी एक आंधी चली, अब के भी सब कुछ छोड़ गया, अब के भी सब बातें हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये आखिरी तीन शेर, मतलब है कि बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई थी गिरा दी मैंने, बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने, उसने दीवार उठाई थी गिरा दी मैंने। क्या कहने, मुलाजा कीजिए, आदमी मिट्टी का बना हुआ है लेकिन बड़ा जोम उसमें होता है। उसके हवाले से ये शेर है कि इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैं। क्या कहने साहब, वाह वाह वाह, इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैंने। क्या कहने, और आखिरी शेर है कि उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज से मगर नाव बना दी मैं, उसी कागज से मगर नाव बना दी, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज से मगर नाव बना दी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें,
और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।